मैं छोटे छोटे हाथ। ये मजदूर का हाथ है कात्या। मेरी फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे कुछ भेजा है, बहुत बड़ा बॉक्स है। अरे भाई कहाँ हो? अरे बाप रे। ओ वाह, 1:30 बज गया। क्या खाओगे बताओ? साग, सरसों का साग यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा मिलेगा भाई, मैं मुँह पे बोल देती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, बस मैं इसी का दीवाना हूँ। शुगाइज, ये देखो भैया, और नीचे से इसका कच्चा देखो, ये इतना लंबा 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 कच्चा। मैं छोटी सी बाबी, मैं छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी उंगलियाँ। यार मुझे यकीन ही नहीं होता गाइस कि सब मेरे अंदर बना है। कभी कभी बड़ा प्राउड होता है कि ये मेरे पेट में बना है। इसके कान, इसके ये हाथ, इसके ये पैर। सो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि गुल्लन एकदम बिल्कुल भी सॉफ्ट वाला बच्चा है ही नहीं ये। एकदम दीदी इसका बॉडी देखो, मजदूर बच्चा होता ना, वाह मजदूर और बच्चा। ये मजदूर का हाथ है कात्या। ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। और काफी टाइम हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं शूट कर रही थी। और बस शूट करने के बाद आपको एक बहुत अच्छी चीज बतानी है, लेकिन उससे पहले ना मैंने आपको एक बताना है कि मेरी फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड है रजनी, बहुत ही क्यूट बहुत ही प्यारी है, उसने मेरे लिए पठानकोट से जो अमृतसर के पास है वहाँ से उसने मुझे कुछ भेजा है, बहुत बड़ा बॉक्स है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो बॉक्स देखने के लिए। हम मिलते नहीं, बात बहुत कम करते हैं, लेकिन मैं सच में उसको बहुत प्यार करती हूँ। मेरी दुनिया में एक ही बेस्ट फ्रेंड है जो है रजनी। उसके अलावा बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कहते हैं ना बचपन का एक फ्रेंड होता है, वो रजनी है। उसके पापा सरकारी जॉब करते थे और मैं तो आपको पता ही है, सो उसने मेरी बहुत हेल्प की जब कैंप्स में जाना तो पैसे भर देने, खाने के ये वो। तो आई लव यू रजनी। मैं बहुत ही गलत हूँ क्योंकि मैं फ़ोन नहीं करती उसको, बात नहीं कर पाते। हाँ कभी कभी होती है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं बात कर पाती, बहुत बिजी रहती हूँ मैं। लेकिन मैं जब भी उसको फ़ोन करती हूँ इतने प्यार से, हाँ आ गई याद। तो यही बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, रजनी आई लव यू। मैं फ़ोन नहीं करती, फ़ोन नहीं उठाती, हमारी बात नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सो ये रजनी ने पठानकोट से भेजा है, हम सब एक्साइटेड है। एक्चुअली ये 2 दिन से आ चुका था, हमें पता नहीं था, बट आज खोलते हैं क्योंकि मैं भी नहीं थी। हाय, ये पक्का गोले के लिए। हाय, क्या बात है रजी, तू मेनु खुश करता। तो सारे गोले के ही निकली जा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। वैसे मैं ऐसे वाले पर्स पकड़ती नहीं हूँ, बट मैं इस बार दिवाली या करवा चौथ पे जरूर पकड़ूंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने भेजा है। ये देखो, हाय रब्बा गोले, तेरी दिवाली सब हो गया। हाउ स्वीट यार, मैं पटियाला सलवार बनवाई थी और इसने भेज दी फुल पटियाला। थैंक यू रजी। फिर बच्चे का निकल आया बार बार। वाह रजी, थैंक यू सो मच। यार ये भी पटियाला सलवार है। वाह वाह वाह, ये सिर्फ चीजें पंजाब से ही मिल सकती हैं दोस्तों। ये देखो, सो गाइस आज खुशियों वाला दिन है क्योंकि आज मुझे गिफ्ट मिला मेरी फ्रेंड की तरफ से। बस आज एक और खुशी है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि अब मेरी कमर, मेरी बैक बिल्कुल भी पेन नहीं होगी। अभी बताती हूँ आपको। सो गाइस शूट एक हो चुका है और उसके बाद मैंने फिजियो सेशन लिया। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी क्योंकि रेस्ट बनता है, फिजियो वाले ने भी कहा है। सच में यार लाइफ जेंड हो गई थी जब गिरने के बाद, इतना दुखता है, इतना दुखता है। तो अब रेस्ट करते हैं। वाह यार, अब ना मेरा दिल करता कि मैं रेस्ट बार बार आके करूं। यार आपको एक बात बताऊं, मैं कल रात को इस मैट्रेस पे सोई हूं और अब मानोगे नहीं मैं जो बात कहने लगी। मैं जब सुबह उठी ना, मेरी एनर्जी एकदम गोले के बराबर थी। सच में यार,
इसमें कमाल की नींद आती है, कमाल की नींद आती है। मेरी कमर में जो स्ट्रेन आया ना, वो किसी भी फिजियो दवाई किसी से ठीक नहीं होगा। तो मैंने अपने दिमाग से ये चीज की है यार, मैंने अभी के अभी मंगवा लिया है वेकफिट का ऑर्थो मेमोरी फॉर्म मैट्रेस। माइंड ब्लोइंग है यार, अब ना बैक में स्ट्रेन है ना कुछ। और सुबह इतनी अच्छी होती ना, पहले होता था मूड खराब, कमर पे हाथ रख के उठना, अब मैं फ्रेश उठती हूँ। अब हर्ष को भी अच्छा लगता है, वरना वो रोज चिढ़ जाता था, रोज सुबह यही बोलती तेरी कमर दुखती है, तेरी कमर दुखती है। सो गाइस, ये जो वेकफिट मैट्रेस है ना, ये मेमोरी फॉर्म का बना है, ये इतना कंफर्टेबल है, इससे मेरी कमर का पूरा प्रेशर उतर गया। इस मैट्रेस का सबसे माइंड ब्लोइंग फीचर है इसका शेप सेंस टेक्नोलॉजी। ये मैट्रेस मेरी कमर की शेप के अनुसार एकदम शेप ले लेता है। आप जैसे भी हो ना, आपका कमर बिल्कुल भी नहीं दुखती। गाइस, वेकफिट की एक माइंड ब्लोइंग बात है कि ये आपको मैट्रेस पहले ट्रायल बेस पे देते हैं, वो भी 100 डेज के लिए, ताकि आप ऐसा मैट्रेस चुनो जो आपको चैन की नींद दे। 100 डेज का ट्रायल? हाँ। तो दोस्तों, वेकफिट का मैट्रेस मैंने तो बाय और ट्राई भी कर लिया, मैं तो वापस करने वाली नहीं, मैं खरीदने वाली हूँ, क्योंकि इसने मेरी कमर को एकदम ठीक कर दिया। यार क्या मैट्रेस है, आपकी कमर के मुताबिक शेप ले लेता है। जिनके घर में बच्चे हैं वो तो इस बात को रिलेट करेंगे कि बच्चे के पीछे भागने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ता है, चाहे वो फिजिकली, दिल से, कैसे भी। वेकफिट ऑर्थो मेमोरी फॉर्म मैट्रेस, यार इसने मेरा नहीं, मेरी लाइफ, मतलब मेरी पूरी फैमिली की लाइफ बदल दी है। अब हम बहुत हैप्पी है, अब नहीं वापिस करते हम गद्दा और मंगवा रहे हैं। A few moments later. तो चलिए दोस्तों, हम निकल गए हैं पॉडकास्ट के लिए, ऑफिस जाना है। और आज हम जिसके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं वो मैं आपको ऑफिस जाके ही बताऊंगी, ठीक है? सो गाइज, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जाकर बताऊंगी कि आज का पॉडकास्ट हम किसके साथ करने वाले हैं। आज का हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, अरे यूट्यूब के सुपरस्टार अमित बड़ाना के साथ। सो वो आने वाले हैं, थोड़ा सा लेट हो गए, बट मैं उनका वेट कर रही हूँ। और आज मैंने सबको AC बंद करवा के रखा है, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। आपको गर्मी लग रही सबको? कह भी नहीं सकते, लग रही है। मैं तो चलाऊंगी नहीं। तो गाइज, मैं कह रही थी ना कि आज पॉडकास्ट पे कौन आ रहे हैं, अमित बड़ाना, वो बढ़ चुके हैं और ये आ चुके हैं। भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूं। सुपरस्टार यूट्यूब के मेहनती किसे कहते हैं, वो जब आप पॉडकास्ट देखोगे ना तब पता चलेगा ये कहाँ से है, कैसे मेहनत की। और आज इनके साथ पॉडकास्ट करके बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, क्योंकि जो लाइफ का इनका स्ट्रगल था वो भी मुझे ऐसे लगता है कि हम नॉर्थ वाले ना इस चीज के लिए मतलब ढीठ होते हैं, अगर पड़ गया ना पीछे तो पड़ गए। भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसे? मम्मी कैसी है? बहुत अच्छे हैं। आपकी मम्मी को मेरा हाय बोलना। वो हाय पे दूसरी हाय सोच लेंगे। हाय ना, ऐसे वाला हाय। नमस्ते बोल दूंगा, नमस्ते। और बताओ, आप बॉम्बे कब आओगे दोबारा? आप आओगे नेक्स्ट टाइम हमारे घर आना। पक्का। क्या खाओगे बताओ, अभी ऑर्डर ले लूं मैं। 2-3 चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। आप खिला देना। राजमा चावल, साग, सरसों का साग यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा मिलेगा भाई, मैं मुंह पे बोल देती हूँ। आप अमृतसर आ जाओ, मैं साग सब वो लेकर आ, आप हरा साग ले जाओ, कच्चा लो। ये होते फ्रेंड्स बन गए, कच्चा साग ही ले आएंगे 5-6 किलो। मैं इधर काट के कुकर में बनाऊंगी वाइट बटर और मक्की की रोटी और लस्सी, यही चाहिए बस। और बस हमको कुछ नहीं चाहिए नॉर्थ वालों का, हमको 2 टाइम का खाना मिल जाए और 600-700 रुपया मिल जाए, अपनी लाइफ सेट है। और ये अमित भाई के भाई भी आए। भाई कैसे हो आप? इधर आओ, आप इतने हैंडसम हो, क्यों होते छुपे हुए? अच्छा, आप भी इनके साथ वीडियो करते हो? हाँ, मैं मतलब स्टार्टिंग में थे, पर अभी मैं इनका प्रोडक्शन। ये तो होता ही है भाई, अपनी फैमिली को फैमिली का बंदा ही संभाल सकता है और कोई नहीं। तो आपको कभी कभी इन पे ऐसा गुस्सा आता है कि यार क्या कर रहा है तू? कि नहीं प्राउड होता है? मेरी बहन को पूछना, वो कहेगी वेली है, वीडियो बनाती रहती है। अरे भाई कहाँ हो? अरे बाप रे, आईना इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। ये भाई आए हैं, ये अमित बड़ाना जी के PR है, और ये इतने लंबे हैं कि हम सबको शर्मिंदा कर दिया इस बंदे ने। देखो दादा, इधर खड़े हो, साथ में खड़े रहो। ओह वाह, 1:30 बज गया। मतलब आप शादी में तो जीत जाओगे, अपनी जयमाला होगी नहीं। हो गई शादी? हो गई तो ये बात खुशी से बोलने वाले, हो गई शादी? खुशी है? आंखें क्यों भर आई हैं फिर? यार ये अमित भाई आए, पता नहीं बेइज्जती करने आए हमारी, धार्मिक भी बहुत है, उपवास भी करते हैं। इधर देखो पेट हमारे, मैं उपवास करूँ तो बीच में मेरा मन करता तोड़ लूँ। भगवान तो यही कहता है ना, भूखे नहीं रहना, बट इनका उपवास जैसे हमारा कितने घंटे का होता है भाई? हमारा तो 24 घंटे का होता है। मेरा मंडे से मैं शुरू करता हूँ। हाँ? और ट्यूसडे मॉर्निंग में जब
सूर्य भगवान दिखते हैं तब जल चढ़ा के तब खोलता हूँ। अरे बाप रे, मैं ऐसा करूँ तो हर्ष समझा रहा हो, इसने भी किया था बट ये बेहोश हो गई। बट यार कहते हैं ना कि वो खुद करवाता है, आप नहीं करते, वो खुद करवाता है, वो खुद ताकत देता है। भाई करो कुछ ऐसा। One hour later. So guys, हम शूट करके आ गए। मुझे पता नहीं क्या बुखार जैसा फील हो रहा है और बट मैं आज बहुत खुश हूँ यार। आज तो एक मेरी कमर की जो प्रॉब्लम थी वो सही हो गई और दूसरा मेरी फ्रेंड रजनी ने मुझे इतने अच्छे गिफ्ट्स भेजे हैं ना कि दिल खुश हो गया। बस मैं वेट कर रही हूँ जल्दी फेस्टिवल शुरू हो और मैं ये गिफ्ट पहनूं। मैं कैमरा पकड़ के खड़ा था, ये अच्छा, क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना अच्छा। ये औरत मेरे बिना काम ही नहीं करती। वाह, शर्म आनी चाहिए भाई आपको, मेरे साथ एक फोटो नहीं कभी खिंचाया है, क्यों ऐसा? मैं ना आपके साथ फोटो। वैसे एक कैमरामैन हमें मिल भी गया अलग से।